हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कौन हो तुम? लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारे कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघने की कामना कर रहे हो, तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। We'll be right back.
मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूं, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहां आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूसरे खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और व्यवस्था को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक सुवर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह सुवर्ण मृग अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही सुवर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूं। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में? ये कैसा दुर्देव है, जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाएं, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं, सूर्य चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं, अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है
कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5,000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघने की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया, इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी, इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो रण में बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं।